प्रधानमंत्री जी नमस्कार। आज टीवी में आपके मन की बात सुनी, बहुत अच्छा लगा जो आपने ये कहा कि एक बेटी जो है वो 10 बेटों के बराबर है, लेकिन सच्चाई जो है वो आप जानते ही होंगे। हमारे समाज में क्या आज नारी को उतना सम्मान मिल रहा है या क्या वो सुरक्षित है? अब जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, यह सुनकर आपको काफी अचंभा होगा कि आज भी सरकार ने काफी प्रयास किए हैं, लेकिन आज भी बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जा रहा है। सरकार ने पूरी रोक लगाई हुई है, कानून बनाया हुआ है, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पा रहे। मेरे से कई लोगों ने बात की है जो मुझे बताते हैं कि जिनके परिवार में पहले लड़की है तो वो दूसरे टाइम ये उनका प्रयास रहता है कि गर्भ का परीक्षण कर लिया जाए और अगर लड़की है तो उसको गिरा दिया जाए। और हैरानी की बात यह है कि ये परीक्षण जो होता है वो डॉक्टर चोरी छिपे करते हैं और मां बाप उनका साथ देते हैं, कहीं कोई शिकायत नहीं की जाती। और ये दिल्ली में भी होता है और बाहर के राज्यों में भी होता है और सब चोरी छिपे होता है, क्योंकि इसमें शिकायत करता कोई नहीं होता। पढ़े लिखी माएं अपनी, अगर उनकी पहली बेटी है तो वो कोशिश करती हैं कि दूसरी बार बेटा ही हो, और वो किसी भी हद तक चली जाती हैं। ऐसा सब नहीं करते, लेकिन आज भी ऐसा हो रहा है। ये स्वयं मैंने सुना है और मुझे कई लोगों ने बताया है। प्रधानमंत्री जी कृपया इस बारे में भी प्रयास कीजिए और एक ऐसा कानून लाएं कि जो ये गलत काम करता है उनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलाया जाए और सब दोषियों को कम से कम उम्र कैद की सजा मिले, चाहे वो माँ बाप हों चाहे वो डॉक्टर हों। तभी हमारी नारी सुरक्षित हो पाएगी और बेटियों को जन्म लेने से पहले मारा नहीं जाएगा। धन्यवाद।